Good morning, students. You all welcome in class 4. आज आप लोगों का जो है क्लास 4 में मैथ का जो है पहला क्लास है, जिस क्लास में आपको रिवीजन करना है और आपके बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी केवल रिवीजन है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले जो भी कुछ पढ़ा है उसको यहाँ पर जो है फिर से रिवाइज किया जाएगा और हम लोग इस तरह से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग नंबर नेम पढ़े हुए हो, नंबर नेम में आप लोगों ने 3 में जो है 1000 तक जो है पढ़ चुके हो, और आप लोगों को मैं बता दूँ फिर से जो है, और आप सभी लोगों को जो है 1 से 1000 तक सभी को आता भी होगा, और नहीं तो अगर 100, देखो बच्चे लोग ज़्यादातर 14 के स्पेलिंग में, 40 के स्पेलिंग में, और 100 और फिर 100 और 1000 मेन है। यहाँ पर मैं बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आज आप लोगों को ये भी क्लियर कर देता हूँ। 14 का जो होता है FOURTWN 14 होता है, और 40 का FORTY 40 होता है, और ये 100 और ये 1000 और लाख का भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका यूज करके अब मैं जो है पाई चार्ट, एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना देता हूं, और उसका यूज करके आप किसी भी नंबर का जो है नंबर नेम लिख सकते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर है। जैसे मैं आप लोगों को आप बता देता हूं कि सबसे पहले कोई नंबर ले लो 9286745। चलिए, इसका जो है नंबर नेम लेना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग बना लेंगे, ठीक। और इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम में जो है इसको नंबर नेम करते हैं। तो देखो, पाई चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे पहले 1s आता है, फिर 10s आता है, फिर 100, फिर 1000 होता है, 10000 होता है, लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, करोड़ होता है, और 10 करोड़ होता है। इससे आगे अभी आप लोगों को नहीं जाना है, तो मैं बता दूं इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोगों को बना लेना होता है। देखो, अब कोई भी नंबर ले लो, ये 1s, 10s और 100 होता है। तो देखो, सबसे पहले ये 1s होता है, 10s होता है, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, इस तरह से हम लोग जो है इसको लिख लेते हैं। अब देखते हैं, जिस हिंदी में जिसे हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, कहानी कहाँ से 1,000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, इस तरह से। तो यहाँ पर जो 1s पैलेस पर आपका क्या है 6 है, 10s पैलेस पर 5 है, और 100 पैलेस पर 4 है, फिर 1000 के 7 और 10,000 के 6 है, और फिर लाख के 8 और 10 लाख के 2, और करोड़ पर कितना 9 करोड़। तो आप लोग जो है इस प्लेस वैल्यू चार्ट का हेल्प लेकर के किसी भी बड़े से बड़े नंबर का नंबर नेम लिख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आप लोग केवल ये वाला जो चार्ट है इसको याद रखो कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। अब ये अगर आपको याद हो जाता है तो आप लोग कितने चाहे जितना भी बड़ा नंबर है आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो, अब इस नंबर का जो है नंबर नेम लिखना है हम लोगों को, वो भी इंडियन सिस्टम में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं, इधर से जब भी हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर इसको दिखाना होता है तो हम लोग 1s से शुरू करते हैं, और जब इसको हम लोग नंबर नेम लिखेंगे उस समय इधर से जो है लेफ्ट साइड से। तो देखो, 9 करोड़, इससे पहले कुछ है मेरा, कुछ भी नहीं, तो क्या है 9, इसमें है करोड़ भी, तो हम लोग 9 को लिखते हैं 9, और ये क्या है करोड़ है। इसके बाद 10 लाख, लाख वाला में देखो आप कितना है, ये लाख है, लाख में कितना है 28 है, 28
लाख, चलो करोड़ हो गया, लाख हो गया, अब थाउजेंड में आ गया, थाउजेंड में क्या है 67, तो 67,000, 67,000, चलो करोड़ हो गया, लाख हो गया, थाउजेंड हो गया, अब हम लोग वंस में एंड कर लेते हैं, एंड वंस 1000 में ये कितना है 456, एंड 456, ठीक। इस तरह से जो है हम लोग नंबर ने, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर है, आप लोग लिख सकते हो। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखो 8960602, ठीक। अब इसको मैं फिर से पार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख देता हूँ, ये मेरा वंस केस प्लेस पर है, ये मेरा 200, अब थाउजेंड में आ गया 60, और फिर लाख में आ गया 09, फिर करोड़ में। और याद रखना कि सबसे पहले हम लोग कॉमा देना सीखेंगे, कॉमा का यूज जो है इंडियन सिस्टम में हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले थ्री डिजिट के बाद हम लोग जो है कॉमा का यूज करेंगे इंडियन सिस्टम में, और फिर बारी बारी से टू टू डिजिट कर देते हैं, ठीक। तो देखो ये अब इधर आएगा पहले लेफ्ट साइड से, तो ये एट, इसमें ये तो हो गया वंस, टेंस और हंड्रेड, ये हमारा थाउजेंड है और ये हमारा लाख है, ठीक। और ये क्या है करोड़, तो 8 करोड़, और ये कितना है अब 90 है, 8 करोड़ के बाद ये सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पर भी, क्या 90 और वो किसमें है लाख में, तो 90 लाख। अब देखो फिर इसमें आ जाओ थाउजेंड में, क्या है 06, तो 0 इधर लेफ्ट साइड में जब 0 होता है तो कोई वैल्यू नहीं, यानी कि यहाँ पर मैं वंस और टेंस में देखेंगे तो केवल 6 है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 6000 एंड, अब देखो इधर क्या है 100, टेंस 0 है तो सीधा वंस लिख देंगे एंड 2, यही हमारा इसका नंबर में हो गया। यहाँ तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। अब इस तरह से देखो अब क्या करना होता है कि इस तरह से नंबर नेम लिखना होता है, लेकिन कुछ का वर्ड दिया रहता है और बोल दिया जाता है कि आप फिगर में इसको लिखो, सबसे पहले वो भी एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे देखो कोई है 52 लाख 3,200, 3,200 and 202, 202, तो देखो इसका यूज करके हम लोग किस तरह से जो है इसका फिगर लिख देंगे। तो सबसे पहले देखो इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में, ये कितना है लाख वाला है, तो लाख में कितना है 52 लाख कर लो। उसके बाद है 3000 में हम लोग जानते हैं कि कितना डिजिट होता है 2, एक वंस होता है और दूसरा टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है 3 है, क्या बताओ इसमें 3 में जो है टेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, टेंस नहीं आ रहा है, तो टेंस की जगह हम लोग 0 और वंस की जगह 3, चलो 1000 हो गया। अब बच गया 100 टेंस और वंस में क्या है 202, यानी कि जो मेरा नंबर है वो 5203, यानी कि 52,03,202 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों ने कम्स बिफोर कम्स आफ्टर ये पढ़े हो, तो कम्स बिफोर में क्या होता है, बिफोर का मतलब पहले होता है, ठीक, पहले वाला हम लोग उसमें लिख लेते हैं, ठीक, और आफ्टर में जो है फिर बाद वाले संख्या को लिख दिया जाता है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले लोगे। अब फिर आ रहा है बिटवीन, तो बिटवीन जैसे मैं बोलूँ कि 5, 7, तो अब आपको बिटवीन वाला जो नंबर है उसको लिखना है, तो यहाँ पर मैं 6 आप लोगों को पता है। अब देखो प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों जो है, जैसे B
बिफोर और आफ्टर से ही समझने थे, जैसे बिफोर में पहले वाला उसी तरह हम लोग प्रीडिसेसर में पहले वाला करते हैं, और फिर जो सक्सेसर होता है उसमें बाद वाला, तो आफ्टर में बाद वाला। तो ये केवल नाम से जो है अलग है, वर्ड से अलग है, लेकिन करना दोनों में सेम है। तो मेरे पास एक ट्रिक है, जैसे प्रीडिसेसर जो होता है वो पी से स्टार्ट होता है, प्रीडिसेसर पी से, प्री का मतलब होता है पहले, तो हम लोग ये वन उसमें माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद हम लोग वो नंबर जो जो भी आएगा प्रीडिसेसर बोलेगा। तो जैसे बोलेगा 82 का प्रीडिसेसर लिखो, तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है माइनस, माइनस तो कितना हो जाएगा 81। और मेरा एक ट्रिक है कि जब भी प्रीडिसेसर बोले ना, तो आपको मान लो पीडी का मतलब नहीं याद है, लेकिन पी फॉर पहले तो याद रहेगा, तो पी फॉर पहले यानी कि प्रीडिसेसर में पहले वाला लिखेंगे, और सक्सेसर तो निश्चित रूप से बाद वाला हो जाएगा, क्योंकि प्रीडिसेसर अगर पहले है तो वो बाद हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है 4.1 जो है 1.1 जो है आप लोग सॉल्व कर लोगे। इसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट है जो आप लोगों को आता है, और जो भी प्रॉब्लम रहे उसको जो है ग्रुप आप लोगों का बन चुका है, उस ग्रुप पर जो है मैसेज करोगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको बोलोगे। और इसके बाद में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ जो है पढ़ाई हो रही है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे कि जो सब चैनल जो आप लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देखोगे, तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो रहे वो आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू।